ने इंडिया के साथ ओलंपिक्स में बायकॉट कर लिया। ऑफिशियली न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने बायकॉट किया। क्या पाकिस्तानी आवाम को लगता है कि पाकिस्तान के इस टाइम हालात जो है, पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया को बायकॉट कर दिया है ओलंपिक्स में, आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तानी ये करके अपने लिए बेनिफिट देखा है या नुकसान? मेरे हिसाब से तो ये नुकसान है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना उसको आगे निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पोर्ट पहले ही बहुत। चेस ओलंपियाड चल रहा है इंडिया में, आज उसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लेकिन उसमें नहीं आएगा पाकिस्तान। क्यों नहीं आएगा? ये इसका एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो ये दिया गया कि भाई आपने जो टॉर्च निकाली थी वो हम खबर देंगे आपको। डॉलर की ऊंची उड़ान, उड़ान में कमी ना आ सकी, ओपन मार्केट में डॉलर की 244 रुपए की सतह पर ट्रेडिंग। ये खबर आ रही थी कि हर जगह पे रिसेशन आ रहा है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि जो तजिया है और जो उसके ऊपर सर्वे हुआ है कि भारत में रिसेशन के कोई चांस। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है भारत में जो चेस ओलंपियाड हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। आपको बता दूं कि जो चेस है ये चेस का कोई ओलंपिक नहीं है, ये कोई ओलंपिक गेम्स नहीं है, इसको ओलंपिक से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। हालांकि बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि ये हर साल होता है, पिछले साल चाइना में हुआ था, वर्चुअली हुआ था, और इस साल इंडिया में हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। आपको पता होगा कि भारत में ये जो गेम है तमिलनाडु में हो रहा है और काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, तमिलनाडु के बड़े बड़े एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। इवन रजनीकांत ने ट्विटर में एक चेस के साथ अपनी फ़ोटो पोस्ट की जब वो कहीं पर चेस खेल रहे थे, तो इस तरीके का सीन है। तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ रिएक्शन दिया है कि ये जो मसाल थी वो जम्मू कश्मीर से होकर गुजरी है, तो उस वजह से ये लोग आ नहीं रहे। हालांकि आपको बता दूं सऊदी अरेबिया के एक मौलाना ने पहले ही फतवा दे दिया कि चेस इस्लाम में हराम है, इसकी वजह से पाकिस्तान में चेस बहुत बड़े लेवल पर नहीं खेला जाता, और पाकिस्तान के कोई इतने बड़े प्लेयर भी नहीं है, कोई ग्रैंड मास्टर भी नहीं है। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो है पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए था, इंडिया समेत किसी भी मुल्क से बायकॉट करना चाहिए था पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस में। इवन के पाकिस्तान जो गेम्स हैं, अभी हॉकी जो हमारा कौमी खेल है उसमें पाकिस्तान परफेक्ट होने की बहुत दूर की बात है, हम बहुत आगे भी नहीं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया को बायकॉट कर दिया है ओलंपिक्स में, आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तानी ये करके अपने लिए बेनिफिट देखा है या नुकसान? मेरे हिसाब से तो ये नुकसान है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना उसको आगे निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पोर्ट पहले ही बहुत पीछे जा रही है। जैसे कि हमारा हॉकी कौमी खेल है, तो इस पर आज तक किसी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, तो हमें चाहिए कि स्पोर्ट्स से बायकॉट ना करें। बाकी जो मुल्की मामलात होते हैं वो चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन स्पोर्ट्स को बीच में नहीं लाना चाहिए, स्पोर्ट्स को हमें आगे लेके चलना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें इंडिया का नुकसान है जो कि पाकिस्तान ने बायकॉट किया है? इंडिया को नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरे देखने में पाकिस्तान को नुकसान है। आपको आप जैसे कि अभी है सिनेरियो, हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, अभी आपको पता है कि पाकिस्तान समेत जो है श्रीलंका को अगर हम देखें, सिर्फ ये दो मुल्क है जो कि बहुत क्राइसिस में जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है श्रीलंका भी बाकी भी मुल्क है इंडिया के साथ हर किस्म की ट्रेड करना चाहते हैं, हर तरह का बेनिफिट देखते हैं। आपके सामने अभी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इवन के IMF से हमें कर्जा नहीं मिल रहा, आगे किसी मुल्क के थ्रू हमें कर्जा नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि अगर हमें कर्जे नहीं मिलते हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी? देखिए कर्जों पर हम कब तक चलेंगे। चेस ओलंपियाड चल रहा है इंडिया में, आज उसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लेकिन उसमें नहीं आएगा पाकिस्तान। क्यों नहीं आएगा? ये इसका एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो ये दिया गया कि भाई आपने जो टॉर्च निकाली थी वो जम्मू एंड कश्मीर गई, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से डिस्प्यूटेड है, इसलिए हम उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। अब बात ये कि भाई आपके यहाँ इंडस वाटर कमीशन आता है, बातचीत होती है, क्या इंडस वाटर कमीशन कभी जम्मू कश्मीर नहीं जाता है? और दूसरी चीज, आज आपको पता चला कि जो चेस ओलंपियाड की जो टॉर्च है ये गई है वहां पर, और आज आपको पता चला कि गई थी इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर रहे, मुझे ये भी नहीं समझ में आया। वैसे तो क्या बोलते गई थी 3 महीने पहले, तो आज ये क्यों डिसीजन लिया गया? ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जर्जर हालत में है, खस्ता हाल है, और ऐसे में पैसा नहीं है अपने लोगों को, एथलीट्स को बाहर भेजने का। चाइना जाना पड़ा ओलंपिक्स में, मजबूरी थी, विंटर ओलंपिक्स मजबूरी थी। चेस ओलंपियाड, चेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पाकिस्तान से कितने ग्रैंड मास्टर हुए, कितने इंटरनेशनल मास्टर हुए तो सबके सामने है। दूसरी चीज, उनका पाकिस्तानियों का भी इंटरेस्ट नहीं था चेस में,
हाँ पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, मैं इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के हैरान, मैंने कहा यार जम्मू कश्मीर चली गई इसलिए आपने पुल आउट कर लिया, कल इंडिया एशियन गेम्स कराए और उसकी टॉर्च जम्मू कश्मीर चली जाए तो आप पुल आउट कर जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन तो बनता है ना। इंडिया ने ओलंपिक कराया और आप तो सीधे बोल दोगे नहीं जी जम्मू कश्मीर गए थे इसलिए हम नहीं आ रहे। ये लोगों को बताना बताना ये बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? हर जगह पे रिसेशन आ रहा है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि जो तजिया है और जो उसके ऊपर सर्वे हुआ है कि भारत में रिसेशन के कोई चांस नहीं। अब वो इकोनॉमी, हालांकि आप देखें अमेरिका में और सब जगहों पर, पाकिस्तान में तो खैर छोड़ ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो कह रहे कि वहां पर जो है ऐसा कोई चांस नजर नहीं आ रहा। देखिए दो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप किसी जिस तनाजर से देख लें, आप स्टडी करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब जो मूवमेंट चली है वो मोदी जी की चली है। देखें आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की की, किस तरीके, मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। 500 बिलियन मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई ममालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। तो उनकी इकॉनमी और दूसरे, और इस वक्त जिस तरीके से खूबसूरती के साथ देखे, मैं हैरान हो गया हूं कि S-400 भी लिया उन्होंने रशिया से और तेल भी ले रहे हैं और साथ अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं, देखे किस खूबसूरती के साथ। और मिडल ईस्ट को भी कठा ले जाए, कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंटें करा रहे। तो ये मैं अगले दिन किसी के पास बैठा था, मैंने कहा आप इस चीज को हट के जरा देखें, दो चीजें फ्यूचर में पढ़ाई जाएंगी कि मोदी साहब ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए जो किया है ये फ्यूचर में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे दिस इज हाउ दे आर कमिटेड टू देयर कास्ट। मैं हमेशा ये कहता था कि भारत के नेशनलिज्म और इकॉनमी इज ऑन स्टेरॉइड्स। उनके पास प्रोडक्ट हैं उनका, देखे मैं बल्कि यहां तक उनका मैं अगले दिन बात कर रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन देखे, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखे, कि वहां से बच्चे पढ़ के आके अमेरिका की हर Fortune 500 का CEO इस वक्त इंडियन है और वो उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा। देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेडेक्स, पेप्सी, मास्टर कार्ड, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये वीडियो में आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने बायकॉट किया है भारत में चेस ओलंपियाड जो कि तमिलनाडु में मालापुरम में हो रहा है, शायद मालापुरम हो रहा है अगर मैं राइट हूँ तो, मैं भूल रहा हूँ लोकेशन, तो बायकॉट किया है। मैंने बताया आपको कि सऊदी अरेबिया के मौलाना पहले ही फतवा दे चुके हैं कि ये चेस में है चालें चली जाती हैं, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं क्या अजीब सा रीज़न था उसके पीछे, चेस हराम में इस्लाम में ये फतवा दिया है। पाकिस्तान आपको पता है कि ऑब्वियसली कितना कट्टर फॉलोवर है इस्लाम के यहाँ पे, तो वो लोग तो ऑब्वियसली चेस को हराम डिक्लेयर होने के बाद कहाँ चेस खेलने देंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग चेस खेलते हैं। ऑब्वियसली चेस एक मज़ेदार गेम है, आपने खेला होगा, बड़ी गंदी लत थी मुझे भी चेस की, बड़ा मतलब बहुत गंदा नशा रहता है चेस का, रात रात भर चेस खेला है मैंने भी, आप में भी कई लोगों को मज़ा आता होगा चेस खेलने में, और बहुत मज़ा आता है चेस खेलने में, ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है, दिमाग के लिए काफ़ी मज़ेदार गेम है। तो पाकिस्तान में ऐसे कोई ग्रैंड मास्टर और ये सब तो है नहीं, भारत का भी चेस ओलंपियाड में कोई उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, हालांकि भारत में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं चेस के, लेकिन चेस में मतलब भारत के पास ले दे के शायद 2 मेडल हैं और सबसे ज़्यादा मेडल रशिया के पास हैं, फिर शायद USSR रशिया के पास है, फिर शायद US के पास है, तो इस तरीके से इसकी टैली है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है, इंडिया को अगर एक आध मेडल मिलता है तो अच्छी बात है, हालांकि इंडिया में चेस के बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, आपको भी पता है कि अभी एक मतलब एक नया उभरता हुआ प्लेयर आ रहा है जिसने कि विश्व विजेता कार्ल मार्क्स को हराया 2 बार, तो बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए। हालांकि मुझे लगता है पाकिस्तान के पास शायद प्लेयर्स को भेजने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे या प्लेयर्स ही नहीं थे,